यदि आप वास्तु दोष का सामना कर रहे हैं आपके घर में वास्तु दोष है घर में कलह चल रहा है आमदनी नहीं हो रही बीमारियाँ डेरा डाले हुए हैं निश्चित रूप से आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है अब एक तरीका तो ये है कि आप प्रॉपर इसकी चेकिंग करवा लें वास्तु दोष एक्सपर्ट से मिल लें वो आपको जो बताएं वो करें पर मैं आपको एक साधारण सी टिप्स बता रहा हूँ इसमें आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना है स्टेप्स को आप अपनाएंगे तो आपका वास्तु दोष काफी हद तक कम हो जाएगा बल्कि मैं कहूंगा खत्म ही हो जाएगा घर में यदि वास्तु दोष है तो आप लगातार उसकी अनदेखी कर रहे हैं तो उसके घर के सदस्यों को शारीरिक मानसिक और आर्थिक उठानी पर, आर्थिक हानि उठानी पड़ती है वास्तु दोष के निवारण के लिए विघ्नहर्ता गजानन की नित्य स्तुति करें वास्तु देवता की संतुष्टि के लिए गणेश जी की पूजा आपके लिए बहुत ही लाभदायी है मान्यता है कि नियमित रूप से आप गणेश जी की आराधना यदि करते हैं तो वास्तु दोष पूर्णतया समाप्त हो जाता है इससे घर में बरकत और खुशहाली आती है आप हर बुधवार को कम से कम एक दूरवा गणेश जी को जरूर अर्पित करें प्रतिमा के सामने और दूरवा का इस बात का ध्यान रखें कि आगे की तरफ से जो नौक है वो टूटी हुई ना हो नौक साबुत हो दुर्वा मतलब समझिए घास एक घास तोड़ लीजिए वो आगे से साबुत होनी चाहिए बस उसकी जो नोक है वो साबुत होनी चाहिए और उसको गणेश जी को हो सके तो रोजाना समर्पित करें या बुधवार के बुधवार तो जरूरी करें और इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ये चढ़ाना शुरू करें तो पूर्णिमा के बाद से श्रम चढ़ाना शुरू करें ना कि अमावस्या के पास से पूर्णिमा के बाद जो पहला बुधवार आता है उस बुधवार से आप गणेश जी को ये चढ़ाना शुरू कर दें और आप वास्तु रूप से आप देखेंगे कि आपका जो समस्या है वो सॉल्व होती जा रही है और इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में एक गणेश जी का जो चित्र लगाएं वो सफेद उसमें हों गणेश जी ठीक है ना समृद्धि के लिए सफेद विनाय की विनायक की मूर्ति या चित्र लगाएं और चित्र में लड्डू और चूहा ये दोनों जरूर होने चाहिए ऐसा कोई चित्र ना, ना लगाएं जिसमें लड्डू ना हो ठीक है ना या चूहा ना हो ऐसा जरूर करें और कार्यस्थल पर यदि गणेश जी का चित्र लगा रहे हैं तो गणेश जी के दोनों पैर जमीन को स्पर्श करते हुए होना होने चाहिए ठीक है ना गणेश जी यदि आप अपने जहाँ काम करते हैं वहां पर गणेश जी का चित्र लगा रहे हैं खड़े खड़े गणेश जी का तो गणेश जी धरती पे खड़े हों ऐसा जरूर होना चाहिए और गणेश जी सफेद कलर के ही होने चाहिए तभी वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायी होंगे इस बात का ध्यान रखिए और भी मैं आपको बहुत सारी वास्तु से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूँ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो आप मुझसे अवश्य पूछें मैं उसका आपको जवाब दूँगा इस वीडियो को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें उन लोगों को शेयर करें जो वास्तु की जानकारी लेना चाह रहे हैं इस वीडियो को देने के लिए देखने के लिए बहुत बहुत